नवंबर को होने वाली मतगणना को लेकर जिले के उपायुक्त और एसएसपी ने कोऑपरेटिव कॉलेज का निरीक्षण किया। इसे लेकर उन्होंने बताया कि सभी बूथों के लिए अलग अलग टेबल बनाए गए हैं। इसके अलावा मतगणना कर्मियों के अलावे अन्य आने वाले लोगों के लिए आने जाने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उन्हें पास निर्गत किए जाएंगे। वहीं डीसी ने बताया कि सुबह 4 बजे प्रत्याशियों के मौजूदगी में पोस्टल बैलेट खोले जाएंगे और 5 बजे से गिनती की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। वहीं 7 बजे प्रत्याशियों के मौजूदगी में ईवीएम के स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा। इसके बाद 8 बजे उसकी काउंटिंग आरंभ हो जाएगी। इधर एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि मतगणना को लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें पैरा मिलिट्री फोर्सेज जैप 6 स्टेट की पुलिस और जिला पुलिस तैनात रहेगी। वहीं सीसीटीवी कैमरा से भी निगरानी की जाएगी। इसके लिए आवश्यक निरीक्षण करते हुए दिशा निर्देश दिए गए हैं। मतगणना पूरी तरह से पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आज सभी काउंटिंग अरेंजमेंट्स का जायजा लिया गया, टोटल हमारी टेबल्स का आकलन किया गया और साथ ही साथ हमारे काउंटिंग एजेंट्स और काउंटिंग पर्सनल की कहाँ कहाँ से एंट्री होगी, उसकी कैसे साइनेजेस लगवाए जाएंगे, इस संबंध में अपनी टीम को हम लोगों ने डायरेक्शन दिए। साथ ही साथ हमारे सभी वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था और आमजन या फिर अन्य लोग, कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट और हमारे काउंटिंग एजेंट्स के अलावा अन्य लोगों का जो आवागमन होगा, उस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ उसकी चर्चा करेगी। साथ ही साथ सीसीटीवी को भी देखा गया, हमारे जहां पर भी उसके डिस्प्ले हैं, जो कि ऑब्जर्वर कंट्रोल रूम में और साथ ही साथ हमारे कैंडिडेट सिलेक्शन एजेंट के लिए और लॉ बिल्डिंग में, उसको भी चेक किया गया और दुरुस्त पाया। कितने चरण में काउंटिंग होगा, किस तरह की व्यवस्था रहेगी? काउंटिंग के चरण जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अलग अलग है, क्योंकि उसमें टेबल का और टोटल बूथ की संख्या अलग है। वो कंप्लीट डिटेल आप लोग को उपलब्ध करा दी जाएगी और साथ ही साथ हमारे काउंटिंग के टेबल्स भी टोटल जो है वो अलग अलग हैं सब प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या कुछ नियमावली रहेगा जो उसमें आएंगे 23 तारीख को मॉर्निंग में, कितने बजे से कितने बजे तक का? हम लोगों का पोस्टल बैलेट का काउंटिंग 7 बजे आरंभ होगा, जिसमें पोस्टल बैलेट का जो हमारा स्ट्रांग रूम है वहाँ से हम 4 बजे उसको खोलने का प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे सभी पॉलिटिकल पार्टीज की प्रेजेंस में। इस संबंध में सभी को लेटर प्रेषित कर दिया गया है। लगभग 5 बजे हम वहाँ से उसका मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के पश्चात यहाँ पर आके उसको उतारेंगे और उसकी बंडलिंग का कार्य स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ हमारा 8 बजे जो है ईवीएम का काउंटिंग स्टार्ट होगा, उसके लिए 7 बजे हम ईवीएम के स्ट्रांग रूम को ओपन करेंगे, जिसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज की प्रेजेंस आवश्यक होगी। अभी जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरह से कैंपस में है, तो क्या ये 23 कब तक ये रहेंगी? नहीं, जो हमारी प्रक्रिया है एवरी इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो यही है कि हमारी काउंटिंग डे पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज का जो टेंट है वो बाहर शिफ्ट हो जाता है, जो लगभग माइनिंग ऑफिस के पास एरिया है वहाँ पर शिफ्ट होगा। लोकसभा इलेक्शन में भी इसी तरीके से हुआ था और वहीं पर सभी लोगों की मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट करी जाएगी ऑन काउंटिंग डे, और वहाँ से सिर्फ कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट, काउंटिंग एजेंट और अन्य जो कि खाना सप्लाई करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी वाइज जो लोग चिन्हित किए जाएंगे, जिनको पास उपलब्ध कराया जाएगा, वो अंदर आ पाएंगे। उसके अलावा हमारे काउंटिंग पर्सनल और आरओज, ऑब्जर्वर्स और अन्य जो हमारे कर्मी यहाँ पर हमें हेल्प करने वाले हैं वो यहाँ पर आमंत्रित हैं। ठीक, थैंक यू। देखिए, काउंटिंग के दिन त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहती है, जैसा कि आयोग का निर्देश भी है, जिसमें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट आर्म पुलिस यानी कि जैप की फोर्सेस और उसके बाद जिला बल के जवान रहते हैं। तो ये त्रिस्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा DFMDs लगाए जा रहे हैं, जिससे कोई भी आप सामान लेकर के ना जा सके। साथ ही साथ स्पेशली मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो ऑथराइज नहीं है, वो कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके, मोबाइल फ़ोन वगैरह लेकर के अंदर बिल्कुल नहीं जा सकता है, अंटी अनलेस कि उसको प्रशासन ने अधिकृत किया हो। इस बात का सभी ख्याल रखें। इसके अलावा जो हम लोग फर्स्ट लेयर रख रहे हैं, जहाँ पर जिला बल के जवान रहेंगे, उसके बियॉन्ड केवल कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट और काउंटिंग एजेंट्स, केवल वही अलाउड होंगे, और फर्स्ट लेयर के बियॉन्ड बाकी लोग वहाँ तक आ सकते हैं। इसके अलावा पार्किंग के लिए भी अलग से हम लोगों ने व्यवस्था की है कि अनावश्यक बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आकर के ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो, उसके लिए पार्किंग बाहर व्यवस्था की जा रही है, जहाँ पर साइनेजेस वगैरह भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा काउंटिंग के दिन विशेष तौर पर किसी भी प्रकार की आपात स्थिति उत्पन्न होने पर या कोई वैसी ज़्यादा भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है,
तो उसको डील करने के लिए हम लोगों ने अलग से क्यूआरटीज़ भी बनाई हैं, एक्स्ट्रा फोर्सेस भी तैनात रहेंगी, जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से मतदान संपन्न हुआ है उसी प्रकार से मतगणना का कार्य भी संपन्न हुआ है।